अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल आईटी कम्युनिटी। टुडे आई विल डिस्कस विद यू कंप्यूटर जनरेशन कॉन्सेप्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी फर्दर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। देन वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज के टॉपिक में मैंने आपको कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में बताया है कि वो किस पे डिपेंड करती हैं, कब इंट्रोड्यूस हुई, और वन बाय वन इनको एक्सप्लेन भी करूँगा। देन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ जनरेशन बताई गई हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन जो है वो डिपेंड करती है वैक्यूम ट्यूब बेस्ड पे, सेकेंड जनरेशन डिपेंड करती है ट्रांजिस्टर बेस्ड पे, थर्ड जनरेशन डिपेंड करती है इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड पे, फोर्थ जनरेशन VLSI माइक्रो प्रोसेस बेस्ड। मतलब VLSI का मतलब है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देन फाइव जनरेशन है ULSI माइक्रो प्रोसेस बेस्ड। ULSI का मतलब है अल्ट्रा लार्ज स्केल्स इंटीग्रेशंस। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जनरेशन जो इंट्रोड्यूस की गई थी 1951 से 1958 तक। अब यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कैरेक्टराइज बाय वैक्यूम ट्यूब्स। जो फर्स्ट जनरेशन थी वो डिपेंड करती है वैक्यूम ट्यूब पे और स्टार्ट हुई थी 1951 से 1958 तक। UNIVAC इसका मतलब है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। मीन के आप लोग देख सकते हैं यहाँ तक यूनिवर्सल, और देन AC का मतलब है ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स। अटरीब्यूटिंग मशीन्स विच ऑन द कॉन्टैक्ट फ्रॉम द फास्टेस्ट मशीन्स। ये एक अटरीब्यूटिंग मशीन्स है जो एक फास्टर मशीन की तरह बिहेव करती है और उसी की तरह वर्क करती है, और इसको काउंट किया गया था 1819 में, US 1819 में। वैक्यूम ट्यूब्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स अबाउट द साइज ऑफ लाइट बल्ब, जो आपके जो एनर्जी सेवर्स हैं, बल्ब हैं जो घरों में आप यूज करते हैं, जो वैक्यूम ट्यूब का साइज है वो उनके ही अबाउट होता है। सेम वही साइज पे वैक्यूम ट्यूब भी डिपेंड करती है। और इसके डिसएडवांटेज जिसकी वजह से इसको रिजेक्ट किया गया था, इसके डिसएडवांटेज यहाँ पे दो बताए गए हैं। दे जनरेट मोर हीट causing many problems in temperature regulations, क्योंकि temperatures को regulation नहीं कर सकते थे इसलिए वो ज़्यादा generate जो heat थी वो ज़्यादा produce करती थी, और इसकी uncontrolled heat ये produce करती थी। Tubes were best subjects to frequent burn out, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि ये कभी आपने use किया होगा कि आपने old type के जो bulbs use किया, वहाँ पे जब इलेक्ट्रिसिटी उनको पास आउट होती है तो वो हीट अप हो जाते हैं, तो सेम ये भी उसी की एक टाइप में और कैटेगरी में काउंट की गई थी। नेक्स्ट है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन वाज इंट्रोड्यूस 1959 टू 1964। जो सेकंड जनरेशन थी वो 1959 से लेकर 1964 तक रही। द ईयर्स 1959 मार्क द इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स। जो 1959 ईयर था उस वक्त ये बेस्ड जो ट्रांजिस्टर है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, विच कैरेक्टराइज द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसको सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ट्रांजिस्टर वाज अ थ्री लेग्ड कंपोनेंट विच श्रंक द साइज ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। जो ट्रांजिस्टर है उसका साइज जो है फर्स्ट जनरेशन से कम है। ऑक्यूपाइड ओनली वन ओवर हंड्रेड ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ वैक्यूम ट्यूब। ये वैक्यूम ट्यूब से एक बटा हंड्रेड, मतलब वन ओवर हंड्रेड साइज कम है उसका, उससे इतना ज़्यादा छोटा है। मोर रिलेबल्स हैड ग्रेटर कंप्यूटेबल स्पीड्स। इसकी स्पीड भी फर्स्ट जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा बेटर थी। रिक्वायर नो वार्म टाइम, और ना इसको कोई ज़्यादा वक्त लगता था। एंड कंफ्यूज फॉर लेस इलेक्ट्रिसिटी, और ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ नहीं करते थे, कम इलेक्ट्रिसिटी में इजीली ये काम कर सकते थे। नेक्स्ट है जी थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन वाज इंट्रोड्यूस 1965 टू 1970। जो थर्ड जनरेशन है वो 1965 से लेकर 1970 के दरमियान तक रही, और इसको हम और ये डिपेंड करती है इंटीग्रेटेड सर्किट पे। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स अरोज इन 1965 विद द इन्विटेशन ऑफ स्मॉलर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये जो जनरेशन है 1965
65 में इंट्रोड्यूस हुई एक स्मॉलर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की वजह से, और जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट आर स्क्वायर सिलिकॉन चिप्स कंटेन्स सर्किटरी दैट कैन परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ 100 ऑफ ट्रांजिस्टर्स। जो ये इंटीग्रेटेड सर्किट है ये 100 ट्रांजिस्टर से बेटर परफॉर्म कर सकती है फंक्शंस। एडवांटेज, इसके फायदे हैं, ये रिलायबिलिटी जो इसकी है अनलाइक वैक्यूम ट्यूब्स, ये वैक्यूम ट्यूब की तरह नहीं है कि उसमें जल्दी सी जो सिलिकॉन है वो इजीली ब्रेकअप हो जाता था। इट इज वेरी सेल्डम दैट यू कैन हैव टू रिप्लेस इट, इसको आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, मतलब इसकी एक जगह से दूसरी जगह आप अपने मदरबोर्ड में इसकी रिप्लेस भी कर सकते हैं। लो कॉस्ट, मतलब ये इजीली सस्ती है, जिसको हम कहते हैं कि ये इजीली हमें मार्केट में अवेल भी हो सकते हैं इजी प्राइस में। सिलिकॉन चिप्स आर रिलेटिवली चिप्स है, मतलब ये सिलिकॉन चिप्स के ही रिलेटेड है, उसी के मुतलिक है। बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज एंड अवेलेबिलिटी इन मार्केट, क्योंकि इसकी ये जो सिलिकॉन्स की चिप्स के मुतलिक इसकी दो वजूहत हैं कि ये इसका छोटा साइज है, दूसरा ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो सकती है। इट आल्सो कंज्यूम्स लेस इलेक्ट्रिसिटी, और ये थोड़ी बिजली इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट है जी फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन वाज इंट्रोड्यूस 1971 टू 1980, ये 1971 से लेकर 1980 के दरमियान तक रही। फोर्थ जनरेशन को हम VLS माइक्रो प्रोसेस कहते हैं, मतलब VLS का मतलब है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन क्रिएटिंग एंड इंटीग्रेटेड सर्किट बाय कंबाइनिंग मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स इनटू अ सिंगल चिप्स। ये मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स है वो एक ही चिप्स में ऐड किए गए, तो इसको वेरी लार्ज स्केल माइक्रो प्रोसेस कहा जाता है कि मिलियंस ट्रांजिस्टर्स को एक चिप में ऐड किया गया, देन इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। VLSI begins in 1917 when complex semiconductors and communication technology was being developed. जो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था वो 1917 में सेमीकंडक्टर्स और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज बनाते हुए दरमियान में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। द माइक्रो प्रोसेसर इज अ VLSI डिवाइस, माइक्रो प्रोसेस भी एक VLSI डिवाइस है, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन डिवाइस है। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ VLSI टेक्नोलॉजी मोस्ट ICS मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैड अ लिमिटिंग सेट ऑफ फंक्शंस दैट कुड परफॉर्म। ये आई ज़्यादा से ज़्यादा भी हो इंटीग्रेटेड सर्किट्स को एक लिमिट के अंदर महदूद रखकर ये काम करवाने की सलाहियत रखता है। माइक्रो प्रोसेस इज अ सिलिकॉन चिप्स दैट कंटेन द CPU। माइक्रो प्रोसेस एक छोटी चिप होती है जो आपकी CPU में यूज़ की गई है, वहाँ पर अटैच की गई है, पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स वेयर ऑल प्रोसेस टेक प्लेस। ये कंप्यूटर का एक हिस्सा है जहाँ पे ऑल पार्ट्स जो हैं, जो ऑल वर्क्स होते हैं, वो इसको इसका काम है उसको प्रोसेस करवाना। 4004 चिप्स वाज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेस इंट्रोड्यूस्ड बाय इंटेल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट जनरेशन है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन वाज स्टार्टेड 1918 टू ऑनवर्ड, मतलब अभी तक जो जनरेशन चल रही है ये फिफ्थ जनरेशन है, ये 1980 से स्टार्ट हुई थी। देन यहाँ पे लिखा हुआ है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLS माइक्रो प्रोसेस मीन्स अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटेड और एम्बेडेड मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन अ सिंगल सिलिकॉन सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप्स। जो ये जो जनरेशन है ये मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स को एक ही सिलिकॉन सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप्स पे रख के बनाई गई है, और इसका ये एक इंटीग्रेटी प्रोसेस भी है। यूएलएसआई टेक्नोलॉजी वाज कंसीव्ड ड्यूरिंग द लेट ऑफ 1918 व्हेन स्पीयर्स कंप्यूटर्स प्रोसेस माइक्रोचिप्स स्पेसिफिकली फॉर द इंटेल 8086 सीरीज वेयर अंडर डेवलपमेंट। जो USI टेक्नोलॉजी थी वो उस वक्त कंसीव की गई थी जब इंटेल 8086 सीरीज कंप्यूटर
और सुपीरियर कंप्यूटर्स प्रोसेस माइक्रोचिप्स जो है वो डिस्कवर की जा रही थी, यानी बनाई जा रही थी। ULSI इज अ सक्सेसर टू लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस VSI एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस टेक्नोलॉजी। जो ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस हैं वो टाइप ही हैं VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस टेक्नोलॉजीज की, लेकिन ये उसी की कैटेगरी में, सेम कैटेगरी में वर्क करते हैं, सेम ही है ये। इंटेल 486 एंड द पेंटियम सीरीज ऑफ प्रोसेस विच बिल्ड ऑन ULSI प्रिंसिपल्स। ये जो पेंटियम सीरीज हैं, पेंटियम 4, पेंटियम 7 और इंटेल जो इसके 486 सिस्टम्स प्रोसेसर्स हैं, ये सारे इसी पे डिपेंड करते हैं, फिफ्थ जनरेशन पे। होपफुली आज के लेक्चर्स में अगर कोई क्वेरी हो तो देन आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आई विल डिस्कस देयर क्लियरली। और न्यू कमर से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी फर्दर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।